ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है कैसे मीठे बने। कहते हैं कि एक बार कौआ उड़ता उड़ता कहाँ जा रहा था। रास्ते में कोयल मिली। बोला, भैया तुम कहाँ जा रहे हो? फिर भी वो फास फास उड़ने लगा। कोयल ने कहा, भैया बताओ तो सही तुम कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं विदेश जा रहा हूं। तो कोयल ने बोला, क्यों? बोला, क्या करूं, भारत में मुझे कोई सम्मान ही नहीं देता, कोई आदर ही नहीं देता। जहां भी बैठता हूं पत्थर मारते हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि विदेश चला जाऊं तो वहां मुझे सब अच्छी तरह सम्मान देंगे, मान देंगे, प्यार करेंगे। तो कोयल ने कहा कि देखो भैया, तुम जहां भी रहता है ना, मैं एक अच्छी बात बताती हूँ, तुम कहाँ करता रहता है और मैं जहां भी रहती हूँ कुकू करती रहती हूँ। तो तुम्हारी वो जो बोल है ना, वो किसी को पसंद नहीं है, तो तुमसे सब दूर भागते हैं। तो स्थान परिवर्तन करेगा, उसमें कुछ फायदा नहीं है। हमें अपने स्वभाव को बदलना है। अगर तुम मीठा बन करके रहेगा, फिर तुम भारत में रहो, कहीं भी रहो, तुम बहुत अच्छी तरह लोगों से प्यार पा सकते हो। अब ये तो एक मिसाल है, परंतु देखा जाए तो जीवन में ये मीठा स्वभाव बनना अति आवश्यक है। प्रभु को भी ऐसे मीठे बच्चे ही पसंद आते हैं। हमेशा याद रखें, सबसे बहुत अच्छा मीठा व्यवहार करें, मुख से मीठे बोल बोलें, ताकि हर व्यक्ति जो है हमें सम्मान से देखे और हमें आदर से देखकर, हमें रिस्पेक्ट से देखकर हमारे से व्यवहार करे। ओम शांति।